वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आज का नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक स्टोरी के अंदर अदर पीपल व्यूज दिस स्टोरी करके दिख जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कौन है। आप जानना चाहते हो यूज़र कौन है जो आपका स्टोरी छुप छुप कर देख रहा है, तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आगे जाके कोई परेशानी ना हो, इसके बारे में आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सीधा जाऊँगा, जाने के बाद अपना फेसबुक को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैंने इधर से एक स्टोरी अपलोड करके रख दिया है, मैं इसके अंदर जाके प्रेस करूँगा। ठीक है, जैसे किया इधर से सारे व्यूअर्स दिख रहा है, मैं इसके अंदर जाके क्लिक करता हूँ एंड व्यूअर्स के अंदर जाके क्लिक करता हूँ। बहुत सारे यूज़र ने मेरे को लाइक किया, वो तो ठीक है, इसका नीचे बहुत सारे यूज़र लाइक नहीं किया एंड बिल्कुल एंड में जाऊँगा तो इधर से दिख जाएंगे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ जाके। अभी देखिए 17 अदर पीपल व्यूड दिस स्टोरी इस तरीके से लिख कर आ रहा है, तो ये लोग कौन है इसके बारे में आप लोगों को जाके बता रहा हूँ। ठीक है, बैक आ जाऊँगा, आने के बाद अपना प्रोफाइल के अंदर आ जाऊँगा। आपका भी हो सकता है फॉलोअर ऑन है एंड आपका प्रोफाइल के अंदर बहुत सारा फॉलोअर है, तो वो लोग आपका फ्रेंड नहीं है, तो आपका स्टोरी देखेंगे तो उसका बारे में आपको फेसबुक नहीं बताएगा, वो अदर पीपल में दिखाई देंगे। उसके साथ साथ मान लीजिए आपका कोई एक्स है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है जो आपको प्यार करता है, पसंद करता है, वो लोग भी आपको सर्च करके आपका स्टोरी के अंदर जाता है एंड आपका स्टोरी उधर से व्यू कर लेता है, तो उसके बारे में फेसबुक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं देना चाहता, इसलिए अदर पीपल में उसको गिनती किया जाता है। तो आप बिल्कुल सर्च मत मारिए क्योंकि फेसबुक इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहता, उसका प्राइवेसी, उसका जो एड्रेस है उसको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए उसको अदर पीपल में काउंट किया जाता है। तो जानकारी मिलता है, वीडियो को प्यार से एक लाइक करना, बिल्कुल भी मेरे ऊपर गुस्सा मत होना क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते कौन आपका अदर व्यूअर है स्टोरी के अंदर। वीडियो को प्यार से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।